नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोग का मित्र साथी सर्वेश मौर्य। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करने आया हूँ, अपितु संदेश लाया हूँ। आज हमारे मौर्य वंश अर्थात मौर्य समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार के विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि आज की जो सरकार है वो माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी हों, या पीछे भी जो सरकारें गई या आगे जो भी सरकार आएंगी, या केंद्र में जो माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी बैठे हुए हैं, उन सभी लोगों को लेकर के मैं आज कुछ कहने वाला हूँ। तो मैं कहने से पहले चाहूँगा जो कोई भी हमारे इस आइडियो को सुन रहा है वह ज़्यादा से ज़्यादा यह शेयर करें ताकि जो मैं कह रहा हूँ इसको सभी लोग समझ सकें। आज जातिवाद कौन कर रहा है और जातिवाद किसे कहते हैं, मैं इस विषय पर सरकार से और राजनीतिक दलों से और जो है कि सामाजिक संगठनों से कुछ चर्चा करना चाहूँगा, अपितु कौन व्यक्ति या कौन सी संस्था, कौन सा राजनीतिक दल क्या प्रतिक्रिया दे रहा है, उनका प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं हर एक का सुझाव लेना चाहूँगा। तो जातिवाद कौन है? आज लोग हमें कहते हैं कि ये मौर्य मौर्य मौर्य, ये मौर्य मौर्य चिल्ला रहा है, काहे सीधा नहीं कहता कि सभी हिंदू हैं। भाई देखिए, जो है उसको छिपाएंगे थोड़ी ना, और यदि अपने महापुरुषों का, अपने पूर्वजों का या अपने बाप दादाओं का, अपने पुरखे पुरनियों का प्रशंसा करने से या उनका गुणगान करने से कोई व्यक्ति जातिवादी हो जाता है या कोई संगठन जातिवादी हो जाता है, तो सबसे बड़ा जातिवादी मैं सर्वेश मौर्य, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक विश्व मौर्य परिषद, सबसे बड़ा जातिवादी मैं हूँ। क्योंकि मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ, अपने पिताजी के पिताजी का सम्मान करता हूँ, अपने बाप दादाओं का, अपने पुरखे पुरनियों का, अपने पूर्वजों का सम्मान करता हूँ, उनका गुणगान करता हूँ, उनका प्रशंसा करता हूँ। अगर इस चीज़ को कोई जातिवादी कहता है तो सबसे बड़ा जातिवादी मैं हूँ। और हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि जातिवादी या जातिवाद कहाँ है और जातिवाद किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए, अभी मैं चर्चा करूँगा 2017 में जो चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश का अर्थात विधानसभा का, तो उसमें समझिए 80% आप सही सुन रहे हैं, 80% वोट श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के चेहरे पर दिया गया कि हमारे श्री केशव प्रसाद मौर्य जी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे। इसीलिए चाहे वो मौर्य लगाते हों या मौर्य वंश के लोग मौर्य लगाते हों, कुशवाहा लगाते हों, साक्या सैनी माली भगत जो भी लगाते हों, या अन्य ओबीसी समाज के लोगों ने केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर वोट दिया बीजेपी को। परंतु बीजेपी ने क्या किया कि एक व्यक्ति विशेष के साथ पक्षपात करके और जिसने मेहनत किया उसको फल ना देते हुए जो व्यक्ति ने धमकी दिया कि हम अलग हो जाएंगे, कि मतलब हम अलग हो जाएंगे, उसको उन्होंने कमान दे दी। अरे भाई साहब, मैं कहना चाहता हूँ, यदि जातिवादी परंपरा खत्म करना चाहते हो, वंशवाद परंपरा खत्म करना चाहते हो, मैं सरकार को ही कह रहा हूँ और जातिवादी संगठन को कह रहा हूँ कि आज जैसे हम एक गेहूँ की फसल को ले लें, गेहूँ की फसल यानी गेहूँ का बीज रोपाई अर्थात बीज बुआई जमीन में जब होता है, ठीक है, हल चलाना, बीज बुआई कराना, पानी चलाना, सब कुछ करना, काटना, फिर क्रेशर में उसको अनाज अलग करना, भूसा अलग करना, सब लोग मिलजुल कर कर रहे हो। लेकिन जब बंटवारे की बात आती है तो आपने श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के खाते में भूसा भर दिया और जो अपने गेहूँ ले लिया। अरे भाई, जातिवाद यहाँ पर हो रहा है,
जातिवाद ये नहीं है कि अपने महापुरुषों का बखान करने से जातिवाद होता है। जातिवाद यहाँ हो रहा है केवल ब्राह्मण और ठाकुर को ही जो है अच्छे पद दिए जा रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आपको 70% या 60% लोग आपको केवल ठाकुर ही मिलेंगे DM अर्थात डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कुर्सी पर। तो देख लीजिए जातिवाद कहाँ है। और आज भी यदि कोई ठाकुर ब्राह्मण को अगर न्याय के अनुसार कोई दबाव डाला जाता है या कोई वो गलत कर रहा है, अगर OBC वर्ग का व्यक्ति आके रोकता है तो जो है कि वो जाके OBC के खिलाफ रिपोर्ट लिखाता है, OBC के खिलाफ एक्शन होता है, क्योंकि सरकार किसकी है? ब्राह्मणों की। और यदि ब्राह्मण खुद गलती करे या सवर्ण यानी जनरल वाले गलती करके और आते हैं मौर्य को पीट पाट के चले जाते हैं, फिर भी मौर्य की रिपोर्ट नहीं लिखा जाता। अक्सर जातिवादी वहाँ हो रही है, जातिवादी हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो जागरूक करने का काम कर रहे हैं। और हाँ, भारत की राजनीति व्यवस्था तभी सही होगी जब कोई भारतीय मूल का राजा बनेगा, अर्थात भारतीय मूल का प्रधानमंत्री या भारतीय मूल का किसी प्रदेश का जो है कि मुख्यमंत्री बनेगा। हमें लग रहा है कि जो भारत के हित में काम नहीं कर रहा है वो भारतीय मूल का हो ही नहीं सकता, वो चाहे कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, चाहे वो हमारे देश का प्रधानमंत्री हो। और लोग कहते हैं कि सब लोग हिंदू हो, यदि सब लोग हिंदू हैं तो 4 वर्ण व्यवस्थाओं में क्यों बांटा गया? कहते हैं कि जन्म से सभी शूद्र हैं और कर्म से ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त करते हैं। परंतु कहीं कहीं मैंने सुना, मैं अभी तत्कालीन बात करूंगा, मैं नेपाल में 2 महीना व्यतीत करके आया, लॉकडाउन की वजह से वहां रुक गया था, तो वहां भी कई ब्राह्मणों से हमारी चर्चा हुई जो कह रहे थे कि अन्य बिरादरी का व्यक्ति कितना भी वेद पारंगत क्यों ना हो लेकिन वो ब्राह्मण नहीं माना जाएगा, और हमारे परिवार का चाहे वो अनपढ़ क्यों ना हो हमारे ही परिवार का पुरोहित या ब्राह्मण माना जाएगा। तो इस पर मैं कहना चाहूंगा, जब कर्म प्रधान विश्व करि राखा को कई तरह बढ़ावा ही साखा, या कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जस भूवा वही सब फलता। जब कर्म प्रधान है तो वर्ण व्यवस्था या वंशवाद या जातिवाद क्यों रखे हो, या सत्ता में काबिल होने अर्थात सत्ता में टैलेंट है, टैलेंटेड है लेकिन वहां फिर भी नहीं जाने दिया जाता है। आज जो है शिक्षक भर्ती में जो निकला है, यहां भी जो है कि OBC के नाम पर एक मिश्रा को की तिवारी, मतलब जो भी एक जनरल को रखा गया OBC कोटे में, OBC यानी OBC बना करके उनका सिलेक्शन किया गया, और किसी गुप्ता को SC बना कर रखा गया। तो जातिवाद यहाँ हो रहा है और तमाम प्रकार की ऐसी भ्रांतियाँ हैं। और मैं सरकार से कहना चाहूँगा, मौर्य वंश जो है, मौर्य वंश को आप हल्के में ले रहे हैं परंतु शायद आप भूल रहे हैं कि जिसके वजह से आप कुर्सी पर बैठ रहे हो वह संगठन हमारा है अर्थात वह मौर्य वंश हमारा है, जिसके वजह से आपका तिरंगे का शान है अर्थात हमारे देश की शान है, पूरे दुनिया में भारत विश्व विख्यात है, भारत विश्व महान है, वो मौर्य वंश की देन है। और जिसके वजह से मुद्रा प्रकाशित होती है, मुद्रा पे जो निशान है ठीक है, और मुद्रा जो है कि मूल्यवान होता है, वो मौर्य वंश हमारा ही मौर्य वंश है। और यानी मुद्रा, सेना और ध्वजा, सेना के बेल्ट या टोपी पे अगर स्तंभ बना रहे तो सरकारी सेना माना नहीं जाएगा। सब जगह हमारा ही सब कुछ है, फिर भी आप मौर्य वंश को OBC में अदर बैकवर्ड क्लास में कैसे रखती है, सबसे बड़ा बात तो ये है। और मैं कहना चाहता हूँ सरकार से, जिसकी भी सरकार है, मैं विश्व मौर्य परिषद का संगठन का संस्थापक व अध्यक्ष सर्वेश मौर्य कहना चाहता हूँ कि अभी भी समय है मौर्य वंश को OBC से निकाल करके, जो इसका सर्वश्रेष्ठ का दर्जा था ठीक है, सर्वश्रेष्ठ के बाद ही ब्राह्मण या क्षत्रिय वैश्य या शूद्र आते हैं जो आपके अनुसार है। तो प्रकृति में 5 उंगलियां होती हैं, तो आपने प्रकृति का अंगूठा प्रकृति के संचालक को क्यों काट दिया? प्रकृति का संचालक मौर्य वंश है अर्थात मौर्य वंश चंद्रगुप्त मौर्य से जो प्रकाशित हुआ था, यानी पहले भी था लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य से फिर विश्व विख्यात हुआ। तो कोई बात नहीं है, हम बस यही कहना चाहते हैं, मैं कोई धमकी भी नहीं दे रहा हूं ना ही कोई चुनौती दे रहा हूं, मैं आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि OBC से निकाल करके आप सर्वश्रेष्ठ में बनाइए, और सर्वश्रेष्ठ में कोई
एक प्रस्ताव रख के इसको सर्वश्रेष्ठ में लागू कीजिए, और जो जातिवादी वंशवादी व्यवस्था सरकार चला रही है कृपया उसे त्याग करके भारतीय मूल के जितने भी लोग हैं सबको बराबर हिस्सेदारी दे, चाहे वो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो, चाहे वो हिंदू धर्म का अनुयायी हो, चाहे वो जैन धर्म का अनुयायी हो, मुख्यतः सभी सनातन के ही एक अंग है। ठीक है, सनातन से हिंदू निकला, सनातन से बौद्ध निकला, सनातन से जैन निकला, लेकिन लोग कहते हैं कि सनातन ही हिंदू है, ये बहुत बड़ा भ्रम है उनका। सनातन हिंदू नहीं है, सनातन से ही हिंदू एक पंथ निकला है, हिंदू एक पंथ है। सनातन हिंदू, सनातन अलग है और हिंदू अलग है। जैसे आज सनातन का हिस्सा यानी सनातन का एक अंग बौद्ध भी है, सनातन का एक अंग जैन है, वैसे सनातन का एक अंग हिंदू है। तो मुख्य सनातन है, और सनातन में सबको ही रहना है, सनातन के अंतर्गत रहना है, सब एक समान है। जो कर रहा है उसको करने दो, आप कोई किसी को टोन नहीं मार सकते, किसी को ताने नहीं मार सकते, आपका कोई अधिकार नहीं है, प्रजातंत्र है। और जो कोई भी विदेशी ताकतों के भरोसे या भारत में विद्रोह कर रहा है, उन लोग को भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने घर का व्यक्ति कितना भी कठोर क्यों ना हो, कितना भी बेकार क्यों ना हो, अपने घर का व्यक्ति अपने लिए बहुत ही उपयोगी होता, बहुत ही कारगर होता। इसीलिए विदेशियों के ताकत में या विदेशियों के ताकत के भरोसे ना रहें, अपने देश में उपद्रव ना मचाएं। आज देखिए उत्तर प्रदेश या बिहार में जितनी जनसंख्या है, जितनी आबादी है, शायद उतना कहीं भी नहीं है। ठीक, तो अगर उत्तर प्रदेश या बिहार सरकार चाहे तो यहीं पे उद्योग लगा सकता है, कहीं भी उत्तर प्रदेश या बिहार वाले नहीं जाएंगे दूसरी जगह, लेकिन यहाँ की सरकारें केवल गंदी राजनीति करती हैं। आज सबसे बड़ा चीज देख लीजिए किसान, यदि किसान ना रहे तो कुछ होगा ही नहीं, लेकिन किसान को एक पैर की धूल भी नहीं समझा जाता है आजकल की सरकार में। किसान के बाद यदि कोई आता है देश का रक्षक तो होता है सिपाही देश का, चाहे वो आर्मी का हो चाहे वो पुलिस का हो। ठीक है, यही दो का सम्मान जिस देश में नहीं रहता वो देश कभी तरक्की नहीं कर पाता। इसीलिए किसान का और हमारे देश के रक्षक अर्थात सिपाहियों का सम्मान करें। और नेता नूती तो अपना चलते रहते हैं और 5 साल के लिए आते हैं, लेकिन हमारे देश का किसान, हमारे देश का सिपाही जब तक उसका सांस रहता है तब तक वो ड्यूटी करता है, अपना जान देता है, लेकिन उसका कोई सम्मान है नहीं। या बड़े बड़े क्रिकेटर हैं, बड़े बड़े बॉलीवुड के कार्य वो अभिनेता हैं, उन सबको इतना सम्मान दिया जाता है। अरे भाई मैं कह रहा हूँ भारत की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने वाला है, भारत की परंपरा को, भारतीय संस्कृति को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा कारण है बॉलीवुड, हिंदी फिल्म जगत। तो इन सब पे जहां तक हो सके बैन लगाइए और भारतीय संस्कृति का ही प्रचार प्रसार करें, ऐसा कुछ उपाय लगाइए। लेकिन जातिवादी मत कीजिए, और जातिवादी आप किसी को कहिए मत, क्योंकि अपने पूर्वजों का बखान करना कोई जातिवादी नहीं है। हमारे कई ब्राह्मण भी मित्र थे, अपितु मैं उनसे मित्रता केवल काम भर के लिए अब रखा हूँ, इसलिए क्योंकि वो बार बार हमें कहते तुम जातिवादी हो। तो मैं उन लोग को भी कहना चाहता हूँ, भले से हमारा आइडियो सुन रहे होंगे, कि मैं जातिवादी नहीं हूँ, अक्सर जातिवादी वो लोग हैं। क्योंकि मैं आज देखता हूँ कि मैंने कई जगह देखा है, मैं अपने लोगों का उसमें दोष देना चाहूंगा, कि आज 60 60 वर्ष के लोग हो गए हैं, 70 70 वर्ष के लोग हो गए हैं, पंडित के घर का एक छोटा सा 10 वर्ष का बच्चा उसको बाबा पाला ही कहते हैं, बाबा प्रणाम कहते हैं। अरे हद होती है मूर्खता की। ठीक है, जो सही से अपना मुंह तक नहीं पोछ पाता है, अपना नाक नहीं साफ कर पाता है, उसको जो है कि ब्रह्म भोज में अर्थात मृत्यु भोज में बिठाकर खाना खिलाने से जो है कि अपना उद्धार समझते हैं। बताइए, जो अपना खुद नहीं उद्धार कर पा रहा है, नाक मुंह पोछ पा रहा है, उसको खिलाने से, दक्षिणा देने से, उसका जूठा पत्ता लुटाने से किसका उद्धार होगा। मित्रों मैं कहना चाहता हूँ कि आप सही को मानिए, मैं भी सभी देवी देवताओं का फॉलोअर हूँ, अर्थात सभी देवी देवताओं को पूजता हूँ, और मैं बुद्ध को भी मानता हूँ, मैं महावीर स्वामी को भी मानता हूँ, मैं जो है कि चाहे भगवान श्री राम हो या भगवान जो है कि कृष्ण हो या भगवान शिव हो, मैं सभी भगवान को भी मानता हूँ, सभी महापुरुषों को भी मानता हूँ, और हमारे चंद्रगुप्त मौर्य जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं इनको भी भगवान मानता हूँ। हमारे माता पिता ही हमारे भगवान हैं, और हमारे माता पिता के पूर्वज अर्थात हमारे पूर्वज महाभगवान हैं, हमारे इष्ट हैं, मैं सबको सम्मान देता हूँ। और लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जो सही है वही अपनाइए, पाखंड में मत जाइए, किसी की कहा सुनी भी मत जाइए, पहले अपने प्रयोग कीजिए, तब जो है कि उसको अपनाइए। तो यदि किसी को हमारे शब्दों द्वारा मन को ठेस पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा तो जरूर चाहूंगा, लेकिन कहना भी चाहूंगा
अभी भी समय है, भारत के सरकार से कह रहा हूँ और उत्तर प्रदेश सरकार से कह रहा हूँ, समझ जाइए, क्योंकि जो ओबीसी फैक्ट से आप कुर्सी पा सकते हैं उसी ओबीसी फैक्ट से आप कुर्सी से जा भी सकते हैं। तो इसीलिए और विश्व मौर्य परिषद अपने समाज के साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। और भारत के विपरीत यदि सरकार भी जाएगी तो विश्व मौर्य परिषद उनको भी क्षमा नहीं करेगा। भारत के विपरीत चाहे कोई सरकारी अधिकारी जाएगा तो उसको भी विश्व मौर्य परिषद क्षमा नहीं करेगा। तो इसीलिए अभी भी समय, समझ जाइए, जातिवादी व्यवस्था कानून में, जातिवादी व्यवस्था पढ़ाई में, जातिवादी व्यवस्था नौकरी में खत्म कीजिए, सबको बराबर का अधिकार दीजिए। और जहाँ तक रही विदेशी लोगों की, तो विदेशी आज का इस्लाम है, विदेशी आज का ईसाई है, तो विदेशियों को मैं कहूँगा, आग्रह करूँगा सरकार से कि विदेशियों को कहीं भी जगह ना दिया जाए। अगर आपका कोई रक्षक है तो भारतीय मूल के ही लोग रक्षक हैं, इसलिए भारतीय मूल को अपने आसपास रखिए, भारतीय मूल को सत्ता सौंपिए, तभी आपका देश और आप सुरक्षित रह सकते हैं। अभी तो सुरक्षित रहने की कल्पना भी आप मत कीजिएगा फिर, और बाद में मत कहिएगा कि कोई भारतीय हमें इस बारे में अवगत नहीं कराया था। मैं एक सनातन मौर्यवंशी भारतीय पुरुष, सर्वेश मौर्यवंशी अध्यक्ष विश्व मौर्य परिषद, आपको अवगत ये करा रहा हूँ कि समझ जाइए अभी भी, नहीं तो आगे क्या होगा आप खुद कल्पना नहीं कर पाएंगे। इसे धमकी नहीं, इसे एक सुझाव समझिएगा। सत्यमेव जयते, जय जय भारत, जय मौर्यवंश, अखंड भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।